एक समय की बात थी, दो दोस्त चलते चलते काम करते हुए आ रहे थे तो एक दोस्त बोला, अरे भाई रामू रुक क्यों गया, क्या हो गया ऐसा जो कि तू यहाँ पर रुक गया है बता। अरे क्या तुझे भाई पता नहीं है आगे क्या है, आगे बहुत जंगल है और अगर उस जंगल से हम गुजरे तो वहाँ पर हमारे सामने कोई भी आ सकता है, जंगल में बहुत मौत हो चुकी है, यहीं से कुछ ही दूर एक भयानक जंगल है, इसीलिए अगर हम चलते चलते उस जंगल तक पहुंच गए तो मेरे ख्याल से हमारी भी मौत ना हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लौटना ही सही है, यहाँ पर कुछ घर देख ले रुक जाते हैं, नहीं तो अगर हम उस जंगल में चले गए तो वो इतना भयानक जंगल या तो हमें कोई जानवर खा जाएगा या तो फिर कोई हमें आत्मा वगैरह मिल सकती है, क्योंकि भाई यहाँ पर अक्सर कोई रात में जाता है तो वह जिंदा वापस नहीं आता, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से लौट चलते हैं और कहीं एक घर देख के या कोई धर्मशाला देख कर वहीं पर रुक जाएंगे और वहीं पर थोड़ा कर सुबह वहाँ से चलेंगे। ठीक कह रहा हूँ ना भाई, अब तू बता क्या करें। अरे भाई रामू तू कहीं पागल तो नहीं हो गया, कैसी हरकतें कर रहा है ये, क्या कोई ये भूत भूत होते हैं। चल तेरी जानवर वाली बात तो ठीक है, अगर जानवर मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है, पर यार नहीं मिलेंगे जानवर इस समय, हम चुपचाई से एक काम करते हैं, कोई लकड़ी लेके चलते हैं जलाकर, उससे कि कोई जानवर होगा भी तो भाग जाएगा आग देखकर, तो चल एक काम करते हैं अब हम कहीं से लकड़ी की व्यवस्था करके चलते हैं। और ये भूत भूत की बात क्या कर रहा है, ये भूत भूत कुछ भी नहीं होता यार, तू भी ऐसी ऐसी बात करता है, बताइए कोई भूत होता है, कोई आत्मा क्या चीज होती है, ये तुम लोग ऐसे विश्वास क्यों करते हो इन चीजों पे, ये कुछ भी नहीं होता भाई यार, ये तुम्हारा अंदर का एक वहम होता है, वही तुम्हें मार डालता है और तुम बस सोचते रहते हो कि अब क्या करें क्या करें, हमें भूत आ जाएगा अगर जंगल में जाएंगे, कोई धर्मशाला में रुक जाते हैं, कोई घर में रुक जाते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस तेरा अंदर का ये वहम है, तू बिल्कुल भी मत डर और मेरे साथ चल, और कुछ हुआ भी तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, और भाई ये सब चीज़ें कुछ होती नहीं है, तेरी सोचने के अंदर की जो आदत है ना, तुम्हारी मम्मी वगैरह लोग ये अंदर से तुम्हारी आदत जैसी लगा देती है कि यहाँ पर भूत मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा, भाई कुछ भी नहीं होगा, तो बस कुछ मत कह मुझसे, सीधे चल और यहाँ से चलते हैं और जल्दी से घर के लिए प्रस्थान करते हैं, चल यार जल्दी। यार तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा, तुम लोगों को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि ये भूत भूत नहीं होते। तुझे एक बात बताऊँ, एक बार ना मेरे चाचा जी इसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनकी बहुत भयंकर हत्या हो गई और यह खबर में पता चली कि एक बहुत भयानक डाहिन ने उनको मार डाला है, और वो डाहिन मामूली डाहिन नहीं, 300 वाली एक बहुत भयंकर डाहिन थी। भाई तुम मानते क्यों नहीं हो इन बातों को, ये बातें तुम कहते हो ना मम्मी ने सिखाई है, पापा ने सिखाई है, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या पता है कितने भयानक भयानक हादसे हो जाते हैं और कितने लोगों की मौत हो जाती है, तुम लोग सोचते हो कि ये कुछ नहीं होता और तुम ऐसे कहकर रास्तों पर चलते हो तभी तुम्हारी मौत होती है। भाई मैं कह रहा हूँ कि तू यहाँ से कोई धर्मशाला या घर देख कर लौट चल, का ऐसा अगर हमारे संग भी हो गया तो भाई मैं बहुत डरता हूँ ऐसी चीज़ों से, अगर मेरे सामने कोई चीज़ भी आ गई तो मैं वहीं पर मर जाऊँगा, और भाई तू बस एक काम कर, तू यहाँ पर एक धर्मशाला वगैरह देख और वहीं पर रुक के आराम से सो जाते हैं और वहीं पर अपना थोड़ा टाइम भी गुजार ले। ठीक है भाई, अब बता तेरा क्या निर्णय है, तू यहाँ से चलना चाहता है या कोई धर्मशाला रुकना चाहता है बता। अरे यार कितनी बार कहूँ मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा नहीं रुकूंगा नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है यहाँ से, मैं सीधा यहाँ से चलूंगा और घर पर जाके ही सोऊंगा, कुछ भी नहीं करूँगा भाई, तुझे चलना है तो चल, नहीं जा रहा तो मत चल, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुझे अगर कोई धर्मशाला ढूंढनी है तो तू ढूंढ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी घर पे जाके सोना है और वहीं पे आराम करूँगा और मैं वहीं पर रहूँगा, तू तुझे भी जो भी करना है वो तू करता रहे, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। भाई यार मैंने तुझे इतना समझाया पर तू समझ ही नहीं रहा, तो तेरा जो भी मन कर रहा है, मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता भाई, मैंने तुझे इतना रोका पर तू मान ही नहीं रहा मेरी बात, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो भाई अब तू जा रहा है तो तू जा,
अब मैं क्या कर सकता हूँ इससे, मैंने तो तुझे बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ पर तू रुक ही नहीं रहा, तो मैं तो यहाँ पर कुछ धर्मशाला वगैरह देख कर वहीं पर प्रस्थान करूँगा और सोऊंगा, फिर सुबह में आ जाऊँगा। अब तेरा जैसा मन करे तो तू मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे जाना है तो चला जा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बता। तो लड़का फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर वो लड़का वहाँ पर धर्मशाला देख लेता है। उसका दोस्त जंगल तो जल्दी जल्दी भागते हुए पार कर लेता है और एक पास पहुँच जाता है, तभी उसे एक आवाज़ आती है और वहीं पर रुक जाता है। तो ये शिकार बहुत दिनों के बाद आया है मेरे पास, बहुत दिनों आया मैंने, आज तो तू आ गया, आज तो एक इंसान बस ही गया, आज तो मैं तुझे और तू मरेगा और तेरी आज मौत लिखी हुई है, कोई भी नहीं बचाएगा तुझे, आज तू यहाँ से मर के नहीं जाएगा, आज तो तू मरेगा। एक आदमी यहाँ से ऐसी गुजर रहा था तेरी तरह, तो मैंने भी उसको बहुत बुरी तरह मार डाला। सर वाले को है बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी और इस चुड़ैल जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। मतलब कि मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा था, अरे आज तो ये चुड़ैल मुझे मार ही डालेगी, और जो तूने वो चुड़ैल मारे थे वो शायद उसके जो दादाजी वगैरह थे वो ही मारे होंगे तूने, और तू दिन पे दिन हम लोगों को मारकर इतनी शक्तिशाली होती जा रही है, इससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा, मैं आज तुझे मार डालूंगा और तू आज मरेगी चुड़ैल, तू मरेगी। मुझे तुझसे बहुत डर लग रहा है, या तो तू मुझे छोड़ दे या तो मैं आज तुझे मार डालूंगा चुड़ैल, आज तू मरेगी चुड़ैल, आज तू मरेगी, आज मैं तुझे मार के ही छोड़ूंगा। तो जैसी कितने आ गए और कितने मर चुके हैं मेरे हाथों से, आज ये मेरा सौमा मृत्यु होगी, आज मैं इंसान को मारूंगी और उसको खाऊंगी, आज तू मरेगा और तुझे तो आज मैं बीच में से बिल्कुल फाड़ के और खा जाऊंगी और बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और मैं तेरे खून से पूरी नहाऊंगी, आज आज तो तू गया। तभी वो लड़का बहुत डरने लगता है और भूतनी उसके पास आने लगती है, फिर भूतनी उसको आने लगती है और उसे चबा चबा कर बहुत बुरी तरीका से मार देती है और अपनी छड़ी से उसका सारा जितना भी मार देती है और कहती है, उससे जवान चला रहा था, मर गया ना एक मिनट में, और आज मैं खाली हो गई हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने सौवा इंसान मार दिया, अब तो मैं जिंदगी इस दुनिया पर राज करूंगी और मुझे बस एक इंसान का सिर और चाहिए, और मुझे तो मैं उसके सिर को कंकाल बनाकर एक तपस्या पूरी कर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली भूतनी बन जाऊंगी, और उस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं होगा। आज मैं सबसे शक्तिशाली बनने वाली हूँ, बस एक इंसान को, और फिर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं, आज तो मैं इस दुनिया पर राज करूंगी, आज मैं सभी ना कहीं से एक आदमी को तो मैं बहुत
शक्तिशाली हो जाऊंगी। तभी उसका दोस्त बेटा ही होता है, तभी उस पर एक कॉल आ जाती है और उसकी माँ कहती है, तभी वो लड़का एक रूम खरीद कर वहाँ पर बेटा ही होता है। तभी एक उसके पास कॉल आ जाती है, हेलो जी क्या अभी तक अभी तक आई और किसी ने कहा है कि किसने मैंने उससे भी बना रहा था कि तू मेरे संग रूम बेटे और कलर मुझ जा, पर वो माना ही नहीं मेरी बात और चल उस जंगल की ओर चला गया। मैंने उससे कहा था कि इस जंगल की ओर रह जाना सही नहीं है भाई, पर वो मेरी बात माना ही नहीं और उस जंगल की ओर चला गया। यार मेरा दोस्त मर गया माँ जी, अब मैं क्या करूँ, मैं उसको देख के लाता हूँ। वो मर गया, वैसे तो मरा तो नहीं होगा, मर कैसे गया होगा, मैं देख के लाता हूँ माँ जी उसे, और मैं अब क्या करूँ, मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा है माँ जी उसकी, अभी वो मेरे पास ही था, एक मिनट में क्या क्या हो गया ये बताऊँ माँ जी, वो मर कैसे गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे बहुत कहा था कि जंगल में कुछ भी हो सकता है भाई, कोई जानवर भी मिल सकता है या तो फिर कोई कुछ मिल सकती है, मेरे दादाजी की भी ऐसे ही मौत हो गई थी, मैं देख के लाता हूँ वो कहाँ पर है माँ जी, अभी रुको मैं देख के लेके आता हूँ। तभी उसका दोस्त रोने लगता है और रोते रोते उसको अपने दोस्त की याद बहुत आती है और फिर कहता है, अरे यार मेरा दोस्त तो मेरे पास ही था, अभी एक मिनट में क्या हो गया मेरे दोस्त को, भगवान मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक था अभी मेरे पास, मैं तो उससे बहुत मना करा, कहीं मत जा तू कहीं मत जा, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी, अब मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ, मैं क्या करूँ भगवान मेरी सहायता करूँ। अरे मैं उस जंगल में जाकर अपने दोस्त को ढूंढ के लेके आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है, और वहाँ पर अगर कोई भी दिखेगा तो भगवान प्लीज मेरी सहायता जरूर करना, चाहे आज मेरी जान ही नहीं क्यों नहीं चली जाए, पर मैं आज अपने दोस्त को जरूर बचा के रहूँगा, आज मैं अपने दोस्त को जरूर बचाऊँगा, अगर मेरे कुछ भी हो गया मैं होने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने दोस्त को जरूर बचा के लेके आऊँगा। भी इतनी ही बात कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और चलते चलते उस जंगल को भी पार कर हवेली के पास पहुँच जाता है और चलते चलते फिर कहता है कि यार मुझे चलते चलते इतना वक्त हो गया पर मुझे अपना दोस्त कहीं भी नहीं दिखा, यार वो काश मुझे दिखता तो सही, अब मैं क्या करूँ भगवान मेरा दोस्त कहीं पर दिख ही नहीं रहा, मेरी सहायता कर भगवान मेरे दोस्त को क्या हो गया, ए भगवान मेरी सहायता कर। तभी इतना ही कहते ही उसके सामने तीन चरवाड़ी छुड़ैल आ जाती है, कहती है और शिकार आ गया, अभी एक शिकार में दूसरा भी मिल गया, अब तो मुझे तेजी मुंडी काटनी ही पड़ेगी और मुंडी काट कर मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। आज तुम मुझे सबसे शक्तिशाली बना दोगे, मैं आज तेरे ऐसे इंसानों को बहुत मार चुकी हूँ, मेरा 101 वा इंसान है, मैंने अभी कुछ ही देर पहले एक लड़का भी मार डाला और फिर मैं सबसे शक्तिशाली हो गई हूँ, अब तू बस मैं तेरी मुंडी काट कर और फिर मैं तेरी मुंडी की पूजा कर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी।
अच्छा तो तू ही है वो चुड़ैल जिसने मेरे दोस्त को मार डाला। आज मैं तुझे चुड़ैल नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे दोस्त के साथ इतना बुरा करा है। उसकी माँ इतनी रो रही है। तेरा कोई बच्चा नहीं था, तेरा कोई बच्चा ही नहीं होगा चुड़ैल। इतनी बुरी है और मैं आज तुझे एक वचन देता हूँ कि आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों जरूर होगी। और तू कह रही है ना कि तू पूरी सृष्टि पर, पूरी की पूरी सृष्टि पर राज करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज तू मरकर ही रहेगी भूतनी। आज मैं तेरा तीन सर वाली भूतनी का तीनों सिर काट दूंगा। तू मेरा सिर क्या काटेगी भूतनी? आज मैं तेरे सिर काट कर और पूरी इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा भी कोई एक इंसान है। आज तेरे सिर कटे ना कटे पर मैं आज तुझे मार जरूर डालूंगा भूतनी। तेरे ये जो टूटी टूटी जुल्फे और ये इतनी बुरी बुरी शकल है ना, ये ऐसी शकल देख कर तो मुझे बहुत हंसना आ रहा है। मैं तुझ जैसी डांस से अब बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं जान गया कि तुम दाहिने हमको बस मारती हो और कुछ भी नहीं हो। तुम अगर मेरा जैसा इंसान तुम्हें अगर कहीं पर मिल जाए तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। मुझे पर डर तो बहुत लग रहा है तुझे देखकर दाहिन, पर अब मैं उस डर को पी गया। अब मैं तुझ जैसी दाहिन से बिल्कुल भी नहीं डरता। आज मैं तुझे मार डालूंगा और मेरा दोस्त मारा है ना, उसका बदला तो आज मैं जरूर लूंगा। मेरा दोस्त तो अब मर गया, अब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और मेरी माँ, मेरी उसकी माँ इतनी रो रही है कि तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तीन सर वाली दाहिन, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। तेरी शक्ल देखकर तो मुझे हंसी आती है, पर अभी मैं क्रोध में हूँ। तुम्हें आज तुझे मार के ही मारूंगा दाहिन। तू इतनी बुरी है ना कि तू एक तो एक आदमी का खून कर चुकी है, तो आज मैं तेरा खून करूंगा। तब तुझे मुक्ति मिलेगी ना, तो तुझे एक कीड़े का जन्म भी नहीं मिलेगा भूतनी। तू इतनी बुरी है। क्या कह रहा है तू? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आज मैं तुझे मार डालूंगी। मैं तुझे आज खा जाऊंगी। इतनी बदतमीजी तो मुझे किसी ने भी नहीं बोली अभी तक जितनी की तू बोल रहा है। आज तू जहाँ से भी आया है आज तू वहीं पर लौट कर भी नहीं जाएगा। आज मैं तुझे तेरी जैसा तेरा दोस्त था उससे भी भयानक मौत करूंगी। तेरी उससे भी अचानक करूंगी। और तू टूटेगा। आज मैं तुझे मार डालूंगी। वो कभी रुक, अब तो तू मर के ही जाएगा यहाँ से। और तेरी मुंडी काट कर तुझे बीच में से बाहर डालूंगी। और एक आज तू मरेगा, तेरी मौत ऐसी होगी। अब तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना ही कहकर वो भूतनी उस लड़की की तरफ बढ़ती है। तभी वो लड़का अपना एक चाकू निकाल लेता है और उसको खंच खंच के मार डालता है। तभी भूतनी मर जाती है और फिर कहता है, तुझ जैसी भूतनी जब जब इस दुनिया में जन्म लेगी तब तब मेरा जैसा एक शूरवीर पैदा होगा तुम जैसी भूतनियों को मारने के लिए। तू जैसी भूतनी आज मेरे हाथों से मरी है। ऐसे ही जितनी भी तेरी जैसी दाहिने होंगी वो मेरे ही ऐसे इंसानों के हाथों से मरेंगी। और तुझ जैसी भूतनी को मुक्ति तो मिलेगी, पर तुझ जैसी भूतनी को एक कीड़े का जन्म भी नहीं मिलेगा। ये मेरा वचन है। मैं ईश्वर से कहता हूँ कि ईश्वर इस भूतनी को एक कीड़े का जन्म भी नहीं देना। इसको इतना छोटा कीड़ा बनाना कि ये अपनी जिंदगी में कभी इंसानों को तो आंख उठा के देख ही ना पाए। तभी उस भूतनी को मुक्ति मिल जाती है और फिर वो ऊपर चली जाती है। गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जो बेल आइकन होता है वो लो। गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जो बेल आइकन होता है वो ऐसी वीडियो को
तुम्हारे पास लेके आता है, और जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो गाइस बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अब भूतनी को मिल चुकी है मुक्ति। तो इसी के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।